गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडियो को बता दीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एबी जी, ऑडियो को बता दीजिएगा। ऑडियो क्लियर है? सब चंगसी का मतलब होता है यमिंग जी कि सब अच्छा था, सब चंगा है गया, मतलब सब अच्छा है। ठीक है, मोदी जी ने गलत पंजाबी बोली थी। इवनिंग, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर की सीरीज है। ये आज हमारा एक अचीवमेंट है, हमारी ये 10th वीडियो होगी और हम जून स्टार्ट कर चुके हैं, जून के महीने के करंट अफेयर्स। इसी को अपने कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम आगे मूव करेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9911675330 पे। मेरा नाम है पवन कंबोज, मैं हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर की क्लासेस लेता हूँ। ये बाकी मेरी सारी डिटेल्स हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, नंबर मेरा ये है जहाँ से आप कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को भी कोई कोर्स ख़रीदना हो, हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है SHSL AP SSB का। अगर आप लोगों ने कोर्स ख़रीदना, ये डिटेल है 9863184505, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? नई पार्लियामेंट के ऊपर तीन सवाल लिए मैंने, आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये न्यू पार्लियामेंट पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों का काम बन जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा न्यूज बना था सेंगोल सेंगोल का। वो सेंगोल जो लगाया गया, वो कौन सी एम्पायर का एक सिंबल है? गुप्ता एम्पायर का, चोला का, मौर्य एम्पायर का या मुगल एम्पायर का? देखिए, सेंगोल ने बड़ी न्यूज बनाई थी। अब आप लोग देखिए, ये बिल्कुल न्यूज वाली चीजें हैं, आप लोग सब आंसर देने की कोशिश करिए। क्या होगा आंसर इसका? देखिए, सेंगोल लगाया गया और ये सेंगोल क्या, ये चोला एम्पायर का एक सिंबल है। एक सिंबल है कि एक सेक्रेट पावर है ये। पार्लियामेंट जब भारत आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एक तरीके से मार्क करने को कि पावर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द ब्रिटिशर टू द इंडियंस। तो उस टाइम पे दिया गया था और ऐसे ही परंपरा को जारी रखते हुए चोला एम्पायर का एक सिंबल है ये सेंगोल। इसको अभी नई पार्लियामेंट में रखा गया, नई पार्लियामेंट में इंस्टॉल किया गया। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर इज बी। आंसर इज बी। चोला एम्पायर साउथ से आया था जहाज में, ये याद रखिएगा। देखिए, मुगल हो नहीं सकता, आप इस तरीके से पिक्चर को याद रखिएगा कि साउथ में प्लेन में रख के लाए गए इस बार संगोल को पार्लियामेंट में अंदर स्टेब्लिश करने से पहले। एक तरीके से स्पेक्टर के जैसे होता है, इस तरीके का संगोल होता है, इसके नीचे डंडा सा होता है और ये डायमंड स्टडेड, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आइटम। तो एक सिंबल ऑफ पावर था जो 1947 में पंडित नेहरू को दिया गया था, उसी को दोबारा उसी तरीके से इस बार नई पार्लियामेंट में ये सेंगोल को लगाया गया। क्लियर है इतना? यस और नो बताएं। ठीक है,
यही तो मेन टास्क है अभी जी, याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, सबसे बड़ा टास्क तो यही है। इसको आप स्केप्टर के नाम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल पे मूव करते हैं। जो नई पार्लियामेंट बनाई गई है इतने पैसे लगा के, उसका आर्किटेक्ट कौन है? इसका आंसर तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। इसका आर्किटेक्ट कौन है, जो नई पार्लियामेंट बनाई गई उसका आर्किटेक्ट कौन है? राज, रेवल, बिमल पटेल। ये दो तीन क्वेश्चन है जो हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट से, फिर हम अपने करंट अफेयर्स पे वापस जाएंगे। अब इसके साथ साथ आप लोग ये भी बताएंगे चैट सेक्शन में कि जो पुरानी पार्लियामेंट थी उसके आर्किटेक्ट कौन थे। ठीक बताइए, नई वाले के अगर आप बता पा रहे हैं तो पुराने वाले के कौन थे? तो देखिए, पुराने वाले का भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो नए वाले का आप सबने नाम सही बताया, आंसर बी बिमल पटेल। नए वाले की अगर आप नाम बात करें तो आप सब लोग सुनते हैं लुटियंस दिल्ली। तो लुटियंस आप लोगों को नाम याद रखना, एक नाम है एडविन लुटियंस और दूसरा है हर्बर्ट बेकर। जहां पे पूरी पार्लियामेंट स्टेब्लिश्ड है वो पूरी जगह को डिजाइन करने वाले ये लोग थे, एडविन लुटियंस। लुटियंस आप कहते हैं जो दिल्ली का इस इलाका है, इसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं। जो न्यू दिल्ली का इलाका है जहाँ पार्लियामेंट वगैरह सारी चीजें हैं, इस पूरी जगह को डिजाइन करने वाले कौन थे? एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट ब्रेकर। इस पार्लियामेंट के भी आर्किटेक्ट इन्हीं को बोला जाता है। क्लियर है ये, यस और नो? नया उसी के ऊपर बना है जी, जमोजी, उसी को पूरा डेवलप करके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वहीं वाला एरिया थोड़ा आसपास का क्लियर करके वहां पे बनाए। अब अगला सवाल है, इसमें से कौन से पॉइंट सही हैं? जो नई पार्लियामेंट बनी है उसके बारे में पूछा गया है, कौन से पॉइंट सही हैं? लाइक करते चलिएगा सेशन को। पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन, अब पॉसिबिलिटी आ सकता है, कोई गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो आप लोग क्या बोल रहे हैं कि जो नई पार्लियामेंट है उसका कैसा शेप है, और ये सारी चीजें आप लोगों को जो पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसके शेप की बात करते हैं तो उस शेप में छह साइड्स आती हैं, वो हेक्सागोन के जैसा ही शेप है। ये सारे पॉइंट्स आपको एक्चुअली में सही है, इनमें से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो गलत है। आंसर इसका डी होगा। वो ट्रायंगल बोला जाता है एक्चुअली में, जब आप उसकी शेप देखोगे, आप लोगों ने रियल शेप देखा है वो ट्रायंगल, आपको लगता है, आप आज जाके देखिएगा, वो हेक्सागोनल शेप है एक्चुअली में, रेगुलर हेक्सागोनल शेप नहीं है वो, ट्रायंगुलर बोला जाता है। लेकिन ये कैसा है, ये नया जो कॉम्प्लेक्स है इसका हेक्सागोनल शेप है। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है हिंदू योगिनी टेम्पल एट मितोली से, और इसके आर्किटेक्ट है बिमल पटेल, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। आप इसकी पिक्चर देखिए ना, तो पिक्चर में आपको पता चलेगा छह साइड्स है, ट्राइंगल किसी भी एंगल से नहीं है वो। तो
किसी भी एंगल से वो ट्रायंगल नहीं है, वो कुछ इस टाइप का है बिल्डिंग पार्लियामेंट का। अब एक मेरे को ये बात बताइए, ये कहां से ट्रायंगल है, कितने लोगों को ये ट्रायंगल लग रहा है? यस और नो बताएं, कितने लोगों को ये ट्रायंगल लग रहा है? अगर ये ट्रायंगल है तो फिर मैं शक्तिमान हूं, ठीक है। पहले वाला जो आप कह सकते हैं सर्कुलर शेप में था, बोला जाता है ट्रायंगुलर, लेकिन एक्चुअली में जब आप इसके ऑफिशियल डिटेल में जाओगे तो ये हेक्सागोनल शेप है। अगर ये हेक्सागोनल नहीं है तो मैं शक्तिमान हूं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं, अगला सवाल रादर देन हम अपने टॉपिक में मूव करते हैं। तो हम अरुणाचल के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स को पढ़ेंगे जो कि जून में हुए। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, एक एमओयू साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है बिटवीन आईएमडी एंड अरुणाचल प्रदेश सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज। सो इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि अरुणाचल में बेटर तरीके से देख सके कि वेदर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, अच्छे तरीके से वेदर को ऑब्जर्व किया जा सके, इसके लिए एमओयू साइन किया गया। इस एमओयू में बहुत सारे अलग अलग स्टेशन इंस्टॉल किए जाएंगे अलग अलग जगह पे, 100 AWS और ARG इंस्टॉल किए जाएंगे। AWS मतलब होता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, और ARS मतलब होता है ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन। अब ये अलग अलग प्लेसेस पे इंस्टॉल किए जाएंगे, किस लिए किए जाएंगे, ताकि बेटर इन्वायरमेंट को एसेस किया जा सके। देखिए आज की डेट में आप सबको पता है हर जगह पानी पानी हो रखा है, जब से वो बच्चे ने बोला अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए ना, तब से बाढ़ ही आ गई। भगवान को पता नहीं क्या हुआ, महसूस हुआ कि उस बच्चा प्यासा है, हर एक स्टेट में बाढ़ आई हुई है, पंजाब में बाढ़, दिल्ली में बाढ़, हिमाचल में तो सब कुछ बह गया है। सो स्टेट में अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे एनवायरनमेंट को, तो लोगों को बचा पाएंगे, पहले वार्न कर पाएंगे। पहाड़ और खासकर ऐसी जगहों पे जहां पे लैंडस्केप थोड़ा सा कंपैरेटिवली प्लेन के कम स्टेबल होता है, वहां ज्यादा जरूरत होती है। तो इसकी जरूरत क्यों है, ताकि एविएशन में, एग्रीकल्चर में, रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, सब जगह अगर वेदर की इंफॉर्मेशन होगी तो बेटर एफिशिएंसी आएगी, बेटर आउटपुट आएगा। इसी के लिए 3x बैंड डॉपलर वेदर रेडार भी लगाए जाएंगे, जो कि मदद करेंगे इन्हेंसमेंट ऑफ सर्विस वेदर ऑब्जर्वेशन। तो ये जो बैंड है ये काफी ज्यादा मदद करेंगे किस चीज में, ये देखने के लिए कि कहीं सही तरीके से वेदर को गैस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इतना क्लियर है, यस और नो बताएं। इतना क्लियर है? तो ये एमओयू साइन हुआ है, अगला बात करते हैं फॉल आर्मी बॉम्ब। देखिए फॉल आर्मी बॉम्ब ने बहुत सारी मक्का की फसल बर्बाद की है। अब यहां पे मक्का की फसल से ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। एक टर्म आता है एपिडेमिक, दूसरा टर्म आता है पैंडेमिक। क्या फर्क है इन दोनों में, आप लोग बताएंगे। एमओयू साइन हो रखा है, जमोजी अब हल्के हल्के इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। एमओयू का मतलब होता है कि दोनों ने गारंटी ले ली, अब काम स्टार्ट हो जाएगा इस पर। आप लोग कोई डाउट हो तो पूछते चलिएगा, एंड प्लीज लाइक कर दीजिएगा सेशन को। सो एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या फर्क होता है? सो जूली जी कह रहे हैं एंडेमिक स्पेसिफिक एरिया, पैंडेमिक होल एरिया।
एनीवन एल्स कोई और अपना ओपिनियन देना चाहता है? तो बेसिकली जो आपने बोला है एंडेमिक शॉर्ट एरिया में जो फैलता है बहुत क्विकली रैपिडली फैले तब एपिडेमिक कहते हैं, और वही एपिडेमिक जब बहुत बड़ा फैल जाए, बहुत अलग अलग स्टेट्स में, सब बहुत अलग अलग कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो जाए, बहुत तेजी से स्प्रेड हो, उसको पैंडेमिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का एंडेमिक है, एपिडेमिक है, जिसने मोर देन 50% ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब यहीं से आपके लिए एक जो टर्म आता है वो है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब एपिडेमिक से ही ले सकते हैं आप लोग, ये वैसी बीमारी होती है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, उसको बोलते हैं एंडेमिक, यानी वो किसी पर्टिकुलर एरिया की नेटिव है, किसी पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, उसको बोला गया एंडेमिक। So, ये जो एक आर्मी वॉर्म है, ये कीड़ा है जिसकी वजह से बहुत सारी मक्का की फसल खराब हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो रीजनल सेंटर है बसर में और वैश्यांग कृषि विज्ञान केंद्र को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इसको पूरा असिस करे और देखे कि क्या किया जा सकता है, और फार्मर्स को बोला गया है कि ये जो दवाई है ये इस्तेमाल करें, जिसका नाम है इमामेक्टिन बेंजोएट, इसका इस्तेमाल करें या स्पिनोसेट 45% SC का इस्तेमाल करें हर 10 दिन के इंटरवल में या जब भी जरूरत हो। उसके अलावा और बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए। तो ये जून में फैला था, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एपिडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, और बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद है ये आर्टिकल में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अगर ये क्लियर है तो लाइक कर दीजिएगा। तीसरा आर्टिकल की बात करते हैं, हिमालयन मरमूट की बात करते हैं। सो हिमालयन मरमूट देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। अब ये नॉर्मली यहां नहीं पाया जाता। ये मरमूट क्या है, ये ग्राउंड स्क्वायरल है, जमीन पे रहने वाला स्क्विरल। ये लद्दाख में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, सिक्किम में, पर अरुणाचल में देखने को नहीं मिलता था। इसकी पहली बार एक इमेज मिली है, तो मिस्टर चेतिया जो कि एक PhD स्कॉलर है, उन्होंने ये फोटो खींची है इसकी। कहां से आते हैं, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा में से। कहां देखने को मिले, एग्जैक्टली तवांग में साइट किया गया। तो ये डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे रखी है, कहां कहां साइट किया गया, तवांग में साइट किया गया। इसका रेंज क्या है, रेंज आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, पूरा एशियन कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह देखने को मिलती है, साउदर्न एशिया में, अल्तिन ताग में, तिब्बतन प्लेट्यू में, सिक्किम में, भूटान में, सब जगह देखने को मिलता है, लेकिन अरुणाचल में इसकी फोटो अभी पहली बार देखने को मिली है। ये स्क्वीरल है, काफी बड़े साइज के होते हैं, लगभग एक हाउस कैट के साइज का होता है, और इसकी कुछ डिटेल्स हैं जैसे कि ग्रे कलर का और बाकी सारी चीजें होती है। इसको लोकली बोला जाता है गोमचेम चिकपा। इनको हंट नहीं किया जाता है, इनको सेक्रेड माना जाता है, पर अभी सुनने में आया कि कुछ लोग इनको मार देते हैं फॉर मेडिकल पर्पस, क्योंकि लालच बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग लालच में बहुत सारे लोगों को मारते फिरते हैं, बहुत सारे जानवरों को मार दिया जाता है, इसलिए कुछ रिपोर्ट्स इनको भी मारे जाने की मिलती है। ठीक है, इनका जो फैट है उसको पेन रिलीवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उनके फैट को मेल्ट किया जाता है और जहां पेन हो रहा हो वहां रब किया जाता है तो रिलीफ मिलता है, इसीलिए इनको हंट किया जाता है। ठीक है, तो ये पेन रिलीविंग बेल्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ये कहाँ देखने को मिलेंगे, हाई एल्टीट्यूड ग्रेजिंग प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे। सो हाई एल्टीट्यूड में आपको यहां पे ये देखने को मिलेंगे।
इतना क्लियर है। अगर इसका IUCN स्टेटस देखे तो ये लीस्ट कंसर्न्ड है, पर अभी लीस्ट कंसर्न्ड है, हो सकता है फ्यूचर में इसको खतरा हो जाए, इसको प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए ये न्यूज में है और पहली बार फोटो मिला इसलिए न्यूज में। अगर इतना क्लियर हो गया है तो यस बता दीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्लियर है इतना? आज नेट में हर जगह इशू है, आई गेस काफी ज्यादा डिले में आ रहा है। तो लूमरदाई अवार्ड दे दिया गया जुमसी सीरम को, ये हमने लास्ट मंथ में भी पढ़ा था। जुमसी सीरम हिंदी में लिखने वाले फर्स्ट राइटर, फर्स्ट हिंदी ऑथर फ्रॉम अरुणाचल। जिनको एक्नॉलेज किया गया बाय अरुणाचल हिंदी समिति इन 2003। आज की डेट में काफी सारे और लोग भी हिंदी में लिखते हैं, लेकिन जो पहले लिखने वाले थे वो कौन थे? जुमसी सीरम जी। इनको लूमरदाई अवार्ड मिला है। इस अवार्ड में 10,000 रुपए मिले, मोमेंटो मिला, साइटेशन मिला और बहुत सारी किताबें मिली। ठीक है, इनकी पर्सनल डिटेल, तादिन विलेज से बिलोंग करते हैं। इनको इसी साल एक और अवार्ड मिला, वो भी इंडिया में नहीं, फिजी में, जिसको कहते हैं विश्व हिंदी सम्मान। तो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस में इनको ये अवार्ड मिला गया था, इसी साल मिला है, तो ये दूसरा अवार्ड है उनका। एक अवार्ड क्या है? विश्व हिंदी सम्मान, और दूसरा क्या है? दूसरा है लूमरदाई अवार्ड। इसके अलावा इनको तादर रंग राष्ट्रीय भाषा पुरस्कार भी मिल चुका है इन 2003। सो काफी सारे अवार्ड जीत चुके हैं, और अभी न्यूज में किस लिए? न्यूज में है क्योंकि इनको लूमरदाई अवार्ड मिला है। इनके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग टाइम पे लूमरदाई अवार्ड मिल चुका है, जैसे कालिंग बुरंग जी, ममंगदाई जी, डॉक्टर जोगेंद्र नाथ, तगंग ताकी जी, चंद्रकांता बोरपता जी, रमनेन्द्र नाथ कोहली जी। तो ये बाकी सारे नाम मैंने लास्ट वाली अपनी PDF में दिए हुए हैं, बाकी इस बार भी आप इन नाम्स को देख सकते हैं। तो यहां पे आपको दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इनके काम देखिए, इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है मतमुर जमो की। आप लोग बताइए चैट सेक्शन में, ये कौन है मतमुर जमो, ये कौन सी लड़ाई के साथ एसोसिएटेड है, इनका क्या रिलेशन है? दूसरा, शीला का रहस्य, जय बोन, मेरी आवाज सुनो, गालो लोक जीवन एवं संस्कृत, मेहनत से मुकाम तक, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है ऑफ जुमसी सीरम जी। तो एक तरीके से मान सकते हैं सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है अरुणाचल का, जिसको दिया है अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ने। पिछले महीने के भी आर्टिकल में न्यूज में था, इस महीने जब उनको मिल गया तो भी न्यूज में था। यानी अगर ये न्यूज बार बार रिपीट हो रही है तो यानी ये न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए मतमूर जमो किस किस कहां पे आप लोगों ने नाम सुना इनका, किस चीज के साथ एसोसिएटेड है ये? आई गेस नेटवर्क का काफी ज्यादा इशू है क्योंकि आप लोगों के रिप्लाई थोड़े से लेट आ रहे हैं मुझे। इतना क्लियर है, फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊं। जी तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एबोर वॉर में, आप लोग जो बोल रहे हैं ठीक है, वो कितनी बार हुए हैं? एक आधी बार नहीं हुए हैं आप लोगों को।
कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव में इनका नाम इंपॉर्टेंट तरीके से लिया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन्होंने विलियमसन नाम के इंडिविजुअल को मारा था, इसीलिए इनको फ्रीडम फाइटर के तरीके से, और इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसीलिए इनको रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। और जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के मनाए जा रहे थे, तो इनको भी याद किया गया, इनको भी रिमेंबर किया गया, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। आई गेस ये क्लियर होगा अभी आपको। और जो एग्जैक्टली अगर आपसे कोई पूछ ले सवाल में कि एग्जैक्टली कौन सी लड़ाई के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए फोर्थ एंग्लो वॉर, एंग्लो अबोर वॉर, इसी इंसिडेंट के बाद हुआ था जब मतमूर जुमो ने ये न्यूल विलियमसन को मारा था। सो जो चौथा एंग्लो अबोर वॉर हुआ था जी, कब हुआ था? 1911 से 1912, चौथा, फोर्थ। नियोल विलियमसन। सो ये कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसी पूरे आर्टिकल को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जो अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी है उसकी इकलौती मैगजीन जो है उसका नाम है प्रयास, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी है वो अपनी एक मैगजीन लॉन्च करती है, एक ही मैगजीन लॉन्च करती है जिसका नाम है प्रयास, उसकी वॉल्यूम 6 भी लॉन्च की गई उसी दिन जिस दिन ये लूमरदाई अवार्ड दिए गए। उसके अलावा चार और किताबें, नई किताबें रिलीज की गई, उनके नाम आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहे। तो ये अलग अलग चार किताबें, इन चारों किताबों के नाम आप लोग पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये चार किताबें भी पब्लिश की गई बाय रिसर्च डिपार्टमेंट उसी दिन। अब बात करते हैं ये कब दिया गया, ये सब दिया गया 1 जून को। तो लूमरदाई जी के बारे में मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लास्ट अपने जब मैंने मई का पढ़ाया था तब दे चुका हूं, और यही सारी बातें अभी इसी में रिपीट हुई हैं। आप लोग देख लीजिएगा दोबारा से एक बार इसको, इस पूरी स्क्रीन को, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट मंथ में, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा सेशन को। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा था, तो ये एक नोवलिस्ट थे, दोयन थे, लिटरेचर लिखने वाले एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल थे। इनके इंपॉर्टेंट किताबों में आता है पहारर हिले हिले, पृथ्वी वीर हानि और उदया चलार हडू। इन्हीं के नाम पे लूमरदाई लिटरेरी अवार्ड दिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और कब दिया जाता है? 1 जून हर साल। C20 वाली बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसको हम स्किप करेंगे। मोबाइल ऐप भी मैंने बताया था, मोबाइल ऐप का नाम याद रखिएगा अरुण पोल, और ई विजिलेंस पोर्टल, ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा अरुण पोल सेवा नाम का व्हीकल, ये सब मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, देख लीजिएगा। अदरवाइज नोट से आप लोग दोबारा पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कायाकल्प अवार्ड की। सो जो चीजें मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं उसको मैंने स्किप किया है। जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। अगर लास्ट लेक्चर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अभी तक 9 लेक्चर हो चुके हैं, ये 10th लेक्चर है। आप में से कितने लोगों ने कायाकल्प का नाम सुना है? क्या होता है कायाकल्प अवार्ड? कायाकल्प इस तरीके से समझिए कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगी, तो आपका कायाकल्प हो जाएगा। फिर आप अभी लूची कपड़े पहनते हैं, फिर गुची कपड़े पहनेंगे, फिर ठीक है डॉल्ची गबाना आ जाएगा, पराडा आ जाएगा। तो पैसे आने के बाद जो होता है उसको कायाकल्प आपके लिए समझने के लिए आप समझ सकते हैं। तो कायाकल्प का मतलब पूरा अपसाइड डाउन चेंज कर देना।
तो कायाकल्प अवार्ड आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, एक थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक अवार्ड देती है जिसका नाम है कायाकल्प अवार्ड। ये तभी स्टार्ट किए गए थे जब स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था, और इसको स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये उन सारी जगहों को दिए जाते हैं, उन सारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज को दिए जाते हैं जहां बहुत अच्छा क्लीनलीनेस हो, बहुत ज्यादा अच्छा सैनिटेशन हो, बहुत अच्छी हाइजीन मेंटेन की गई हो। तो फोकस किस पे है? पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने पे फोकस है कि पब्लिक हेल्थ साफ हो। ऐसा ना हो कि मान लीजिए आपका हाथ कट के आया है, आप अस्पताल पहुंचे तो हाथ कटने से शायद आपका कुछ नहीं होता, लेकिन अस्पताल इतना गंदा था कि इन्फेक्शन हुआ और हाथ आपका और ज्यादा खराब हो गया। तो पता चला कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, कि वैसे ठीक थे, छोटी मोटी दवाई लेने गए थे, लेकिन अस्पताल में गंदगी इतनी थी, सड़े हुए ब्रेड पकौड़े मिल रहे थे कैंटीन में, जो चीजें इस्तेमाल की जा रही थी इंस्ट्रूमेंट वो अच्छे नहीं थे, कि पता चला कि हल्का सा कट था और अब टिटनेस लेके आ गए। तो हॉस्पिटल्स को और इन फैसिलिटीज को आगे प्रमोट करने के लिए कि आप साफ सफाई रखो, ये अवार्ड लाए गए कायाकल्प। कब लाए गए? 2014 में। और इसको कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्रायोरिटी क्या है? मैंने आप लोगों को बता दी। तो खांडो द्रोवा सांगमो हॉस्पिटल, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज सॉरी, उसको बेस्ट कायाकल्प डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अवार्ड मिला है। पूरे स्टेट में, अरुणाचल के स्टेट में, खांडो द्रोवो सांगमो हॉस्पिटल को ये अवार्ड मिला है बेस्ट कायाकल्प डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये याद रखना है आपने। इतना क्लियर है? यस और नो? और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो कि रस्किन में है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, उसको बेस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अवार्ड मिला है। और ये दोनों अवार्ड किस स्कीम के तहत मिले हैं? कायाकल्प स्कीम। कायाकल्प स्कीम को कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कब देना स्टार्ट किया? 2014 में देना स्टार्ट किया। बस ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। कायाकल्प स्कीम की 6 थीम के एरिया ये क्या क्या है? कि हॉस्पिटल की अपकीप कितनी अच्छी है, सैनिटेशन और हाइजीन कितना अच्छा है, वेस्ट मैनेजमेंट कितना अच्छा है, इन्फेक्शन कंट्रोल कितना अच्छा है, हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज कितनी अच्छी है, हाइजीन प्रमोशन कितना अच्छा है। इंडिया में ये सारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक हॉस्पिटैलिटी के डिपार्टमेंट में, चाहे वो हॉस्पिटल हो। इवन आप बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, अभी कुछ टाइम पहले की एक खबर है कि एक रेस्टोरेंट में किसी ने नॉन वेज ऑर्डर किया था, चिकन, तो जब उसको खाना सर्व हुआ तो उसमें मरा हुआ चूहा था, उसमें माउस था मरा हुआ पूरा, अलोंग विथ हिज टेल। अब आप ये सोचिए कि किसी की थाली की प्लेट में, किसी के खाने में चूहा आ गया है, पूरा ग्रेवी में पका हुआ। तो हॉस्पिटल रेस्टोरेंट सब जगह सेफ्टी के क्या स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, आप खुद सोचिए। इवन कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ के एक लोकल होटल में खाने में छिपकली मिली थी। आप आधे से ज्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट का अगर किचन देख लेंगे ना, तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? बहुत बुरी हालत होती है। आप ये सोचिए, चूहा चूहा आ गया खाने में, छिपकली आ रही है, सब कुछ आ रहा है। कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे ऐसा भी हुआ था, आप लोगों ने शायद सुना होगा, गोलगप्पा। गोलगप्पा खाया कुछ लोगों ने, वो पानी इन्फेक्टेड था, 45 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, और बहुत सारे लोग मेरे नोन भी थे। तो ये हालत है, हॉस्पिटल चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो ये 6 मेन थीम है जहाँ पे कायाकल्प स्कीम फोकस करती। तवांग मैराथन की बात की थी मैंने लास्ट लेक्चर में,
सो पहली तवांग मैराथन होनी है अक्टूबर 1 से, और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट और आर्मी ने मिलकर लॉन्च किया, और 4 कैटेगरी में होगी, फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रेस, 5 किलोमीटर रेस। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर मैंने वास्प वाली कहानी बताई थी, तो ये वास्प वाली कहानी आप लोगों को याद होगी, 4 नई वास्प डिस्कवर हुई है, मैंने बताया था ये वाली नहीं, ये वाली। तो अगेन कहां पे, सियांग वैली में डिस्ट्रिक्ट हुई, मिली है 4 नई पैरासॉट टाइड वास्प। तो पैरासिटॉइड वास्प डिस्कवर हुई थी, और मैंने बताया था कि कैसे वास्प इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये उन जानवरों को, इन उन बटरफ्लाइज और उन बाकी छोटे मोटे कीड़ों को खाती है जो फार्मिंग वाली चीजों पे हमला करते हैं। तो इनकी वजह से काफी हद तक आप उन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप उन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो आपको एग्रीकल्चर बच जाएगा। हाइमेनोपतेरा ग्रुप से बिलोंग करती है ये 4 नई पैरासिटॉइड वास्प, जिनका नाम है किलोनस आदि, सी एक्सपेडिशन, सी कोमिसिंगिस, सी सियांगिजिनिस। तो ये 4 नाम है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैंने बताए थे। नॉक्टर्नल वो होते हैं, वो सारे आदमी प्राणी, वो सारी चीजें जो एक्टिव रहते हैं रात को, जिसमें उल्लू होता है, जिसमें आजकल की डेट के यूथ हैं जो दिन में सोते हैं रात को जागते हैं। आजकल के पबजी प्लेयर हैं जो पबजी खेलते खेलते, जिनके लिए एक रेडीमेड वाइफ आ जाती है 4 बच्चे लेके पाकिस्तान से, तो ये रात को जागने वाले कौन है? नॉक्टर्नल। डायर्नल यानी जो डे टाइम पे एक्टिव रहते हैं। एर्बोरियल जो पेड़ पे रहते हैं। हाइबरनेशन जो विंटर में कम एक्टिव रहते हैं, विंटर में डोरमेंट रहते हैं। एस्टिवेशन जो समर में डोरमेंट रहते हैं। आप में से तो नहीं कोई पबजी खेलता है? पता चले कोई उज्बेकिस्तान से, कजाकिस्तान से रेडीमेड वाइफ बनी बनाई आ रही हो पबजी खेलते खेलते। सुना होगा आप लोगों ने, एक नोएडा के इंडिविजुअल से के लिए एक पाकिस्तानी लड़की आ गई अपने हस्बैंड को छोड़ के, जिसके 4 बच्चे। क्यों? क्योंकि पबजी खेलते खेलते एक दूसरे को पसंद आ गए थे। अब इंक्वायरी चल रही है कि लेडी का आईएसआई से कोई लिंक तो नहीं है, लड़की कहीं कोई जासूस तो नहीं है। बात करते हैं सीएम हेल्थ सेंटर्स की। कुछ सीएम हेल्प सेंटर्स, 2 हेल्प सेंटर हैं सीएम के अलग अलग जगह पे, वो आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे, उनके बारे में बात करते हैं। सीएम हेल्प एक तरीके से एक ऐसा सेंटर है जो कि इमरजेंसी फैसिलिटीज में लोगों को मदद मिल जाए, इसलिए इस्टेब्लिश किया जाता है। खांडो द्रोवा सांगमो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये इस्टेब्लिश किया गया है सीएम हेल्प सेंटर, खासकर उन लोगों की हेल्थ केयर नीड के ऊपर फोकस करने के लिए जो दूर के इलाकों में रहते हैं, जो चैलेंजिंग टेरेंस में रहते हैं। ये दूसरा सीएम हेल्प सेंटर है, इससे पहले एक ट्रायम्स नाहर लगुन में भी है सीएम हेल्प सेंटर। डोरमेंसी का मतलब एक्टिव कम होना, डोरमेंट रहना, मतलब सो जाना सर्दियों में, हाइबरनेशन। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग जितना लाइक करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उतनी ही लंबी सीरीज चलती रहेगी। इसके बाद हम अलग अलग और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज भी ला सके नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर।
जैसा रिस्पांस उसी हिसाब से हम लोग और एक्सपेरिमेंट करेंगे आप लोगों के लिए। अब कुछ पर्सनैलिटी इन न्यूज के बारे में बात कर लेते। देखिए कर्नल जी के बारे में मैंने लास्ट बार भी बात किया था, तो ये न्यूज बनी रहेगी और इनपे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वुमन ऑफिसर बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट बॉर्डर रोड आउटपोस्ट को कमांड किया है। तो देखिए पाकिस्तान के इलाके में पहाड़ है और पहाड़ के इधर पाकिस्तान है, तो यहां पे कुछ बॉर्डर आउटपोस्ट होंगी जो काफी ज्यादा हाइट पे होंगी। आउटपोस्ट का मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए चौकी। तो यानी एकदम बॉर्डर पे लद्दाख के इलाके में कितना है सी लेवल से उसकी हाइट 15,000 फीट। तो वहां पे जो चौकी है वहां पे इनको कमांड मिला है रिस्पेक्टेड कर्नल साहब को कमांड मिला है, कर्नल मैम को कमांड मिला है। और ये पहली वुमन है, पहली इंडियन वुमन ऑफिसर है जिन्होंने इतनी हाइट पे किसी भी चौकी को किसी भी आउटपोस्ट को कमांड किया हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा, बॉर्डर के इलाके में रोड बनाती रहती है सरकार, तो बॉर्डर के काफी सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट है बीआरओ का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हिमांक, उसको भी इन्होंने ही देखना है, इन्हीं को लीड करना है। तो अब नई जिम्मेदारी मिली है इनके। और क्या क्या अचीवमेंट है, ये पहली वुमन ऑफिसर है फ्रॉम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पहली कर्नल रैंक ऑफिसर है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भी इन्होंने काम किया है। कहां गया था पीस कीपिंग मिशन, कांगो अफ्रीका में। सिविल इंजीनियर है, 2008 में लेफ्टिनेंट बनी, 2013 में मेजर, 2014 में पीस कीपिंग मिशन में गई, 2019 में लेफ्टिनेंट कर्नल और 2023 में कर्नल। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? यस और नो बताएं। थोड़ा आज नेटवर्क का इशू है लेकिन हम अपनी क्लास को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब बात करते हैं, एक टाइकोंडो प्लेयर है राधा बांगसिया नाम है, अब नाम इनकरेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूं तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, भाषा का फर्क होता है, शब्दों का फर्क होता है। ठीक है, तो ये टाइकोंडो प्लेयर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी एशियन गेम्स में। कहां होने एशियन गेम्स, चाइना में होंगजू सिटी में। कब होने, सितंबर में इस साल। इनका सिलेक्शन हुआ भी, ट्रायल हुए थे, कहां पे हुए थे, गुजरात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो इनकी रैंक फर्स्ट आई तो इसका इसलिए इनका सिलेक्शन हो गया। उसी सिलेक्शन के ट्रायल में एक और एथलीट, एक और प्लेयर जिनका नाम है रिक्पी न्योदू जी, उनकी रैंक थर्ड आई और उनको अभी स्टैंड बाय में रखा हुआ है। हो सकता है कि उनको भी क्लियरेंस मिल जाए और वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करें टाइकोंडो। सो एथलीट्स काफी ज्यादा निकल के आ रहे हैं और ये प्राउड होने की बात है हमारे लिए। अब कुछ चीजें हैं आप लोगों से, बाकी सारी चीजें डिस्कस करें, कुछ और स्पोर्ट्स की आइटम डिस्कस कर लेते हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। एक, अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने प्राइज मनी ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए बढ़ा दिया। अगर कोई गोल्ड मेडल जीत के आएगा तो उसको 5 करोड़ मिलेंगे, सिल्वर तो 3 करोड़ और ब्रोंज तो 2 करोड़,
और पहले क्या मिलता था वो मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, लास्ट ओलंपिक कहां हुआ, और ओलंपिक का मतलब अभी मैं यहां पे समर ओलंपिक पूछ रहा हूं, लास्ट ओलंपिक कहां पे हुआ है, समर ओलंपिक कहां हुआ, पैरालंपिक लास्ट कहां हुआ, और विंटर ओलंपिक कहां हुआ है लास्ट वाला, ये आप लोग बताएंगे। तो देखिए आप सबको पता होगा टोक्यो ओलंपिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए टोक्यो ओलंपिक यानी समर ओलंपिक थे, विंटर ओलंपिक कहां पे, चाइना में हुए, ठीक है, बीजिंग में हुए। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो ओलंपिक का जो लोगो है उसमें कितनी रिंग्स हैं, तो याद रखिएगा 5 रिंग्स हैं, और ये एसएससी के लेवल पे सवाल पूछा गया है। तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया समर ओलंपिक और पैरालंपिक लगभग एक ही देश में होते हैं फ्रॉम 1998। तो कहां पे हुए थे, टोक्यो में हुए थे, और विंटर ओलंपिक कहां हुए, चाइना में। समर ओलंपिक 2020 में होने थे लेकिन 2021 में हुए बिकॉज ऑफ कोविड, और ये विंटर ओलंपिक 2022 में होने थे, 2022 में ही हुए। सो उसके अलावा हम अगर आगे बात करें, विंटर ओलंपिक बीजिंग शहर में हुए, आगे आने वाले ओलंपिक्स का क्या सीरीज है याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक्स बताया है। एक लड़का है जिसका नाम है पेरिस, उसने अपनी रानी को लॉस किया है इन ब्रिस्बेन, सो पेरिस लॉस्ट इट्स एंजल्स इन ब्रिस्बेन, यानी पेरिस, एलए और ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि आगे आने वाले ओलंपिक्स कहां कहां होंगे, 2024 पेरिस, 2028 लॉस एंजलिस, 2032 ब्रिस्बेन। तो ये लाइन रट लीजिएगा, पेरिस लॉस्ट इट्स एंजल इन ब्रिस्बेन। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो तीनों आपको बॉक्स दिख रहे हैं इनमें से सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा है, ये आईक्यू का सवाल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप लोग ये बताइए इनमें से सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा है। ये बॉक्स, आउटर बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं। सो एबी जी कह रही है फर्स्ट, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट। आप लोगों को मैं बता दूं ये तीनों बराबर है, ऑल दी थ्री आर इक्वल, क्योंकि ये आप अपनी आंखों में धोखा खा रहे हैं। आप ये वाली साइड से ऊपर वाली साइड को कंपेयर करें, जब आप ओरिजिनली देखेंगे तो तीनों बराबर हैं, ये तीनों एक ही लाइन पे रह रहे हैं और ये तीनों ही बराबर शेप है, एक दूसरे की एग्जैक्ट रेप्लिका है। अभी आप लोग शायद बिलीव भी नहीं करेंगे, सो दीज थ्री आर इक्वल। उसके अलावा विंटर ओलंपिक की बात करें तो ये कहां होना है, मिलान में और कोर्टिना दे एम्पिजो में। तो जो पेरिस की एंजल खो गई थी ब्रिस्बेन में, वो मिली कहां है, मिलान कहां हुआ है उसका, इटली में 2026 में। तो याद रखिएगा जब समर ओलंपिक्स होते हैं उसके 2 साल के गैप में विंटर ओलंपिक्स होते हैं, और जिस साल समर ओलंपिक होते हैं उसी साल पैरालंपिक भी होते हैं और उसी शहर में होते हैं।
गुड इवनिंग बेवन जी, वो इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं, ठीक है। ये धोखा लगता है, बाउल्स के साथ भी आपको धोखा लगता है। तीनों इक्वल बाउल्स हो उनको ऊपर नीचे, खासकर ऐसे बाउल्स जो नीचे से थोड़े छोटे हों, ऊपर से ऐसे बड़े जा रहे हों, ऊपर से थोड़े आउट की साइड की स्प्रेड हो रहे हो, आप इन बाउल्स को भी अरेंज करेंगे आपको धोखा लगेगा। इतना क्लियर है, यस और नो? तो ये नाम याद रखिएगा, कहाँ ओलंपिक कहाँ होने हैं, किधर होने हैं, कब होने हैं, सारी मैंने बता दी। पेरिस ने अपनी एंजल को खो दिया बेचारे ने, कहाँ? ब्रिस्बेन में। उसका मिलन कहाँ होगा? इटली में होगा, कोर्टिना में। इसके अलावा एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की पिछले ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस कैसी रही। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक गोल्ड मिला, दो सिल्वर, चार ब्रोंज। पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रोंज। और विंटर ओलंपिक में 0, 0, 0। छह बजे तक क्लास होगा। वांगसु जी कहीं जाना है आपने, या पढ़ाई से बोर हो गए हैं मेरे पढ़ाने के तरीके से? 6 बजे तक होता है, 5 से 6। ओके, लगता है लिंक आ गया है आपकी ज्योग्राफी की क्लास का। तो ये चीजें याद रखिएगा, इसको अब यहीं पे रैप अप करते हैं। आई गेस ज्योग्राफी वाली मैम ने लिंक शेयर कर दिया है। हाँ जी, विंटर ओलंपिक पूछ, कोई भी पूछ ले। ये टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट आपको पता होने चाहिए, सिल्वर मेडलिस्ट भी आपको पता होने चाहिए, ब्रोंज मेडलिस्ट कौन है, ये बेसिक चीजें आप खुद पता करके रखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। एक बार लास्ट टाइम लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कल मिलेंगे सेम टाइमिंग में, 5 to 6। ओके, थैंक यू एवरीवन। जी हाँ, 5 to 6 अभी इस वीक लगातार चलेगा, 5 to 6 क्लास। जी हाँ, कल भी क्लास है, इस वीक में 4 डे क्लास होगा आपका करंट अफेयर्स का, फिनिश करना है हमने जून वाले को। ओके जी, थैंक यू एवरीवन।